जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग। ए आप लोग तो ऑनलाइन दुनिया के बेताज बादशाह है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा दो तीन क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं। जेली हाँ जे, आपका हाइड्रा किस संघ के अंतर्गत आता है? हाइड्रा हाइड्रा सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ ना। हाइड्रा किस संघ के अंतर्गत? गुड मॉर्निंग ना। तो किस में आएगा? मोलस्का स्पंज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के भी किस श्रेणी में? पेरीफोरा अमीबा अमीबा प्रोटोजोआ ठीक है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ कटलफिश कटलफिश जो है आपका मोलस्का में। डॉग फिश मत्स्य में नाम है डॉग फिश ना। वो मत्स्य आता है ठीक है। एनाकोंडा किस में आएगा? लिखाए थे सांप तो एनाकोंडा सांप में आता है कि बतख में? सांप में। क्या कौन उसका जो गुण है उसी के अंतर्गत रखता है वो। दुनिया में सबसे विशाल कहिएगा तो वही है ना। चलिए अब हम लोग आएंगे हाँ बायोलॉजी। अब हम लोग थोड़ा पाचन क्रिया में चूंकि पचेगा तभी ना ब्लड बनेगा। अब ब्लड बनेगा तब ना लोग सड़क पर दौड़ेगा। बहुत जल्दी शुरू होने वाला है आप लोग का बैच हाँ यूपीएससी बीपीएससी वाला है सब हाँ। ना दांतों का जो संख्या होता है कितना होता है संख्या? तो आपको 32। भले दांत पर दांत जम जाए उसको 33 नहीं कहिएगा ठीक है। अगर दांतों की संख्या मान लिया जाए एक दो अगर ज्यादा भी हो गया तो ऐसे भी सामान्य मनुष्य की बात होता है एब नॉर्मल मैन की बात नहीं होता है। तो उसमें अगर कहेंगे इसकी संख्या कितनी तो 32 हाँ। लेकिन किसी भी मनुष्य का अपने जीवन में कुल कितना दांत आता है? 32 और दूधा वाला दांत कुल मिलाकर अपने जीवन में कुल दांत आता है यानी 32 और प्लस 20 बराबर 52। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूधा का दांत कितना होता है 20 यानी दूधा का दांत का कहने का सेंस हुआ कि वह दांत जो एक बार टूटकर पुनः जन्म लेता है तो वह दांत क्या कहलाएगा? दूधा का दांत कहलाता है ना। ना लोग कह देता है कि दूधा का दांत अभी टूटा ही नहीं है
यानी तू अभी बच्चे है, कहता है ना, तो कह सकते हैं दूध का दांत ना, यानी वह दांत जो दोबारा टूटकर जन्म लेता है। तो दूध का दांत कितना, वह दांत जो पुनः टूटकर, अब ऐसे नहीं कि अपने से तोड़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, स्वाभाविक, वह दांत जो पुनः टूटकर जन्म लेता है अर्थात दूधा का दांत ना, तो ये भी दांत की अगर संख्या कहेंगे तो कौन, यही आपका 20। इसका भी अगर संख्या की अगर बात कहेंगे तो कितना आपको, 20। अच्छा अच्छा उम्र कितना है, 18 हो गया। आप जानते ही हैं कि कोई भी दूधा का दांत लगभग 16 बरस के बाद टूट जाता है, यानी 2 साल पहले वो टूट गया होगा या धोखा से भी रह गया होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम आते हैं, देखिएगा, हाँ अब आते हैं, अपने पता चल जाएगा कि आपका दूधा का दांत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये दूधा का, सभी दूधा का दांत यानी दूध का जो दांत होता है यह किस उम्र में आपको प्रारंभ हो जाता है, सभी दूधा का दांत किस उम्र के बाद आ जाता है, तो लगभग 6 बरस के बाद, 5-6 महीना ऊपर नीचा भी हो सकता है ना, किसी देखिए किसी का बच्चा का देखिएगा 2-4 महीना पहले दांत आ जाता है ना, और किसी का 2-4 महीना बाद आता है, लेकिन एक एवरेज की अगर बात कहेंगे, औसतन देखा जाता है, तो किस उम्र के बाद सभी दूधा का दांत आ जाता है, 6 बरस के बाद, लेकिन सभी दूधा का दांत किस उम्र के बाद टूट जाता है ना, लगभग ऐसे तो 12 बरस से टूटना चालू हो जाता है, लेकिन 16 बरस जो है ना वो लास्टली 16 बरस में आपका दूधा का दांत टूट जाएगा, आप 18वां में प्रवेश है, तो आप बताइए आपका अभी होगा कि गया होगा। हम आते हैं, अभी ये क्लियर हो जाएगा, सभी दूधा का दांत किस उम्र के बाद आ जाता है, सभी दूध का आ जाता है कितना, 6 वर्ष के बाद ना, लेकिन सभी दूधा का दांत किस उम्र के बाद लगभग टूट जाता है ना, हाँ तो लिख दीजिए, सभी दूध का दांत, सभी दूध का दांत टूट जाता ना, तो क्या लिख दें, हाँ टूटना शुरू हो जाता है 12 बरस के बाद शुरू हो जाता है, यहां लिख दिए क्वेश्चन में, सभी माने टूट जाता है उसके बाद रहता नहीं है, यानी 16 बरस के बाद, यहां क्वेश्चन में सभी लिख दिए हैं ना, यानी उसके बाद दूधा का था परमानेंट जो 20 होगा वो बदल जाएगा, हाँ ऐसे टूटना जो है चालू हो जाता है कब, 12 बरस में शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन कहते हैं सभी दूधा का दांत, यानी उसके बाद दूधा का दांत नहीं रहेगा, भूल चूक से कभी कभी रह जाता हो ना, लेकिन एवरेज जो साइंस का कहना, हाँ ओ अच्छा अभी रह गया है आपका, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसे दूधा का दांत टूटना किस उम्र में शुरू हो जाता है, 12 बरस के बाद टूटना शुरू हो जाता है, दूध का दांत टूटना, हाँ प्रारंभ लिखिए,
लेकिन यहाँ कोचल में सभी दूध का दांत यानी परमानेंट ना, यहाँ इसके बाद आप समझदार हो जाते हैं और 18 वर्ष के बाद खूब समझदार हो जाते हैं ना। हाँ, यहाँ कहा जाता है कि उसके बाद आपको उचित अनुचित का ख्याल हो जाता है। हाँ, तो देखिएगा, लेकिन आपका जो दांत जो बना होता है, दांत आम तौर पर दांत और हड्डी, वह जो है आपका किसका बना होता है? कैल्शियम का। यानी दांत और बना होता है किसका? कैल्शियम का बना होता है। लेकिन शरीर में यानी हड्डी में, हड्डी भी कहेगा तो कैल्शियम है कहिएगा ना, तो ये जो बना होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम का। लेकिन हम लोग का जो कैल्शियम होता है वो हड्डी में हो या दांत में हो, लेकिन क्या शरीर में कैल्शियम के रूप में होता है? कभी नहीं। वह किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। तब फिर हम लोग समझेंगे, कैल्शियम ऐसे लिख दें, कैल्शियम किस रूप में, किस रूप में होता है? क्या, तो क्या लिख दे, कैल्शियम किस रूप में? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। तो यही लिख देते हैं, कैल्शियम ना, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में आपको होता है वो कैल्शियम ना। लेकिन इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, फ्लोरीन मजबूती प्रदान करने के लिए, इसमें आपको किसका प्रयोग करते हैं? भले बना होता है, भले बना होता है किसका? इनामेल तो बहुत ही होता है, ऊपरी परत होता है, वो आते हैं, आते हैं, देखिएगा। हाँ, अभी वो क्लियर कर लेते हैं। मजबूती की बात कहेंगे, शायद कल चाहे परसों क्वेश्चन आया था ना, उस दौरान होता है टूथपेस्ट ही सब कहे थे ना। हाँ, देखिएगा, हाँ, टूथपेस्ट में एफ जो होता है बैक वाला साइड में एफ लिखा रहता है ना, इसका अर्थ है कि फ्लोरीन का मात्रा उस टूथपेस्ट में क्या है? उपस्थिति है, जिससे आपका दांत क्या होगा? मजबूत। अब मजबूत होगा तो टूटेगा जल्दी नहीं। हाँ, तो देखिएगा, दूध का दांत तो कितनों टूथपेस्ट लगाइए वो तो टूटबे करेगा। देखिए, वो जो है दूधा का दांत का जो नेचर जो होता है वो टूटने का नेचर होता है। वो दूधा का दांत से आप चाहिएगा कि कोई कारा चीज काट ले, नहीं कटाएगा। वो जब ये काटिएगा तो सिहर जाता है, झंझनाहट आपको हो जाएगा। यानी वह दांत किसी बाद में आप कुछ खा लेते हैं, जैसे दूधा का दांत रहेगा उसमें मांस घिंचिए, उसके लिए थोड़ा गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो किसी किसी का मजबूत रहता है, लेकिन अगर कठोर चीज अगर खाइएगा तो उसमें झिनझिनाहट आ जाता है, वह उसके अनुकूल नहीं होता है। भले खाने के लिए तो कुछ लोग खा लेता है ना, हम ही लोग का शरीर मांस मछली के मांस के लिए आंत नहीं बना सिस्टम, लेकिन तैयो हम लोग खाते हैं कि नहीं? भले वो 2 दिन में पचे, 10 दिन में पचे, लेकिन खाबे करेगा ना। लेकिन हम लोग का जो आंत बना है वो शाकाहारी के लिए है ना। हाँ, तो देखिएगा, कहाँ थे हम लोग? मजबूती के लिए किधर लिखे थे? ओ, अभी नहीं लिखे थे, बताइए रहे थे। मजबूती प्रदान करता है, तो यही टूथपेस्ट वाला कौन? फ्लोरीन। इसीलिए सभी टूथपेस्ट में जो है आपका बगुला में कितना दांत होता है? सुनिए सुनिए सुनिए,
लड़का लड़का क्वेश्चन पूछे ना तो उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिएगा अब देखिए, आज आप बताइए बगुला जानवर में आता कि पक्षी में? पक्षी में आता। हाँ सुनिए, तो मानव में भी आता है? नहीं बताना चाहिए, ऐसे ही हंसी। चलिए, आप सौभाग्यशाली है जो आपका साथी लोग कमेंट करता है आपको, और वही लड़का आगे जाता है जो समाज में उस पर कमेंट होता है, वही उतना ही आगे जाएगा वो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, एक दिन समय आएगा जो लोग उनको कहेगा सर प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, सुनिएगा, तो कोई भी पक्षी में दांत नहीं होता है, कोई भी पक्षी में जो उसका जो चोंच होता है, चोंच ना, वही दांत के रूप में रूपांतरित होता है, इसलिए कह देंगे कि बगुला या बगुले क्या, किसी भी पक्षी में दांत नहीं होता, उसका जो दांत होता है वह किस रूप में रूपांतरित होता है, चोंच के रूप में रूपांतरित होता है। हाँ, और आपका क्विज जो है आपको ऑनलाइन भी आपका होगा, उसके लिए घबराइए नहीं। पापा की परी है? बात सही है, पापा की सही में परी होती है। आज देखते हैं, हाँ आज देखते हैं, बच्चा को माता पिता को छोड़ देता है। आज देखे हैं बहुत माता पिता को आज लड़की या वही पापा की परी ही देखभाल कर रहा है। लड़का सब तो कुपातर हो गया ना। तो आपका, सुनिए, आपका आपकी जिम्मेवारी है कि किसी, हाँ अब बताते हैं, सुनिए, हम ये नहीं कहते हैं कि पत्नी का बात आप नहीं माने, वहीं तक माने जहां तक आपके परिवार में दरार नहीं पैदा हो, ठीक है? हाँ, और एक रिलेशन से अगर आप जुड़ते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि हुआ कि दूसरा रिलेशन खत्म हो जाना चाहिए। आप अच्छा तब कहलाएंगे जब दूसरा तीसरा रिलेशन से भी आप जुड़ते हैं और पहले वाला रिलेशन को आप बरकरार रखते हैं, तो ये आपकी बहादुरी है। जैसे पत्नी आ गई तो इसका आपका ये अर्थ नहीं कि माता और पिता दोनों को हटा दे, आपके प्यार के बंधन में भी माता पिता आते, आता है ना? हाँ, और आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि जहां जाएं परिवार को बांध कर रखें, और सिर्फ पति का ख्याल करने से ही आपका काम नहीं चलता है, ध्यान रखिए, पूरे परिवार को लेकर चलेंगे तभी आपका मान सम्मान ये सब आपको रहेगा। अपने लिए तो सब जीता है, किसी दूसरे तीसरे के लिए जिए तो ये तब ना। उसके बाद आइएगा, हम लोग कहां तक आ गए थे? मजबूती तक आ गए थे ना, लेकिन देखते होइएगा, नाम है मच्छर लेकिन दांत की संख्या है ज्यादा, ध्यान रखिए। तो ये आपका, लेकिन एक दांत में देखते होइएगा, भले आपको शरीर का सबसे कठोर अगर कोई भाग है तो कौन? एनामिल। भले दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है ना, जबकि शरीर का सबसे कठोर दांत नहीं, दांत का भी एक भाग होता है एनामिल। तो कह सकते हैं, हाँ हाँ, सबसे, देखिए मजबूत में आएगा शरीर का, ध्यान रखिएगा, मजबूत में शरीर का सबसे कौन? जबरा ना, सबसे मजबूत अगर अंग की, मजबूत और कठोर में अंतर है, ध्यान रखिएगा, तो सबसे मजबूत की बात कहेंगे तो जबरा, लेकिन शरीर का सबसे कठोर अगर कहेंगे कौन, तो जबरा न आंसर होके क्या होगा? एनामिल। तो सबसे कठोर
क्या लिख दें? एनामिल। और दांत का ऊपरी परत की अगर बात कहेंगे तो वो भी कौन? एनामिल। और किसी अगर दांत में जो चमक होता है, देखिएगा किसी को दांत मोती जैसा चमकता है ना। हाँ हाँ आप लोग कहाँ, ठीक है ठीक है ठीक ना, सब का चमक रहा है, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। तो उसमें हाँ सुनिएगा, हाँ हाँ ठीक है ना, आपका भी सही है। तो एनामिल दांत का जो चमक होता है वह किसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? एनामिल। अगर दांत चमकता है तो एनामिल के कारण चमकता है। और समझ जाइए दांत का जो चमक है अगर वह नष्ट हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ किसका नष्ट होता है? एनामिल। यानी दांत का चमक का नष्ट हो जाना ही एनामिल का नष्ट माना जाता है। यानी कह सकते हैं हम लोग दांत का चमक का कारण लाल दत्त मंजन एनामिल। ना तो दांत का जो चमक है नष्ट होने का एनामिल का नष्ट होने का बहुत सारा कारण है। एक तो हम लोग जब भी खाते हैं, साइंस का कहना है कि एक दिन में दो बार ब्रश होना चाहिए ना, लेकिन हम लोग सप्ताहों में दो दिन नहीं करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो आपका खाना खाने के बाद कम से कम दांत पर उंगली जाना चाहिए, ताकि जाता है तब ठीक है। तो उस पर जब जाएंगे, परत जब जाता है तो उस पर जो भी होगा ना अवशिष्ट पदार्थ वह क्या हो जाता है? हट जाता है ना। तो वही अगर आप नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होता है? वो बैक्टीरिया का रूप ले लेता है ना। हाँ, तो कहने का अर्थ कि दांत खराब होने लगता है, मसूढ़ा कमजोर होने लगता है। ऐसे तो कहिएगा तो ब्रश से भी मसूढ़ा कमजोर होता है। सबसे अच्छा अगर कहिएगा दातुन जो होता है, आज देखिएगा हम लोग जब दातुन से जुड़े हुए थे या गांव में, अब तक गांवों में दातुन नहीं है, है ओ, लेकिन गांव में भी अब देखते हैं अधिकतर आदमी ब्रश करता है। ब्रश से क्या होता है कि सबसे पहले मसूढ़ा खोखला हो जाता है, और जब मसूढ़ा जब इसका जड़े खत्म हो जाएगा तो उसका ब्रांच खत्म होगा कि नहीं होगा? उसका जो उसी का एक भाग है दांत, तो वो भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। लेकिन दुनिया इतना फास्ट हो गया है, थोड़ा स्टैंडर्ड कहिए ना, तो लोग अब ब्रश अब दातुन को भूल ही गया है। हाँ, तो चमक का कारण क्या होता है? एनामिल। और चमक नष्ट होने का भी कारण एनामिल का नष्ट होना। एक बार हम लोग देख लेते हैं, माने एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ 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 सभी देखिए क्वेश्चन में लगा है, सभी दूधा का दांत यानी बीसो किस उम्र के बाद टूट जाता है? लेकिन दूधा का दांत टूटना प्रारंभ होता है, एक ना मानिएगा, लेकिन दांत जो होता है किसका बना होता है? दांत का सबसे कठोर भाग, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग भी कहे, दांते का नहीं शरीर का भी, जबकि मजबूत की बात कहें तो जबरा। और दांत का चमक नष्ट हो जाने का अर्थ एनामिल का नष्ट हो जाना। किसका आपको? एनामिल का नष्ट हो जाना। अपने जीवन में कुल कितना दांत किसी मनुष्य को आता है? 52, यानी 32 गो ओरिजिनल और 20 गो आपका जो ऊपर वाला जो दिए थे ना, यानी टूटने वाला, तो ये कहेंगे आपका कितना? 52। उसके बाद कैल्शियम जो होता है मजबूत आपका बना तो जरूर कैल्शियम का होता है, लेकिन अगर शरीर में जो कैल्शियम यानी दांत में जो कैल्शियम होता है वह किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। लेकिन दूध का दांत कितना होता है? यानी वह दांत जो पुनः टूटकर जन्म लेता है उसी को दूधा दांत कहा जाता है, यानी उसका भी संख्या 20।
धोखा से 21 हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा। सभी दूध का दांत आ जाता है किस उम्र के बाद? 6 बरस के। देख ध्यान रखिएगा, सभी दांत को मजबूत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी दांत को मजबूती करने के लिए आम तौर पर किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरीन का। किसका? आपको फ्लोरीन का। क्लियर? क्या? कैल्शियम सल्फेट। और जो कैल्शियम उसी का ना फॉस्फेट के रूप में काम करता है, फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, किस रूप में काम करेगा? फॉस्फेट। जैसे पेड़ पौधा नाइट्रोजन को क्या नाइट्रोजन के रूप में लेता है? नहीं, पेड़ पौधा नाइट्रेट के रूप में लेगा। जब तक नाइट्रेट नहीं होगा पेड़ पौधा में नाइट्रोजन काम नहीं करेगा। जब ये काम चालू हो गया नाइट्रोजन का तो समझ जाइए वो नाइट्रोजन नहीं होगा, कौन? नाइट्रेट के रूप में होगा। ये क्लियर? इसको वो तो इसको समझाने के लिए कहे हैं आपको। जो शरीर में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है, वैसे ही पेड़ पौधा जो नाइट्रोजन ना हरा भरा होता है, अगर नाइट्रोजन का कमी हो जाए अगर पेड़ पौधा में तो समझ जाइए उसमें कीट पतंग क्या होगा, लग जाएगा ना। तो नाइट्रोजन को पेड़ पौधा किस रूप में लेता है? वैसे ही हम लोग का जो शरीर में जो कैल्शियम होता है वो किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। किस रूप में? आपको कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। लेकिन दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक बार अध्ययन भी कर लीजिए, नाम है ओडोंटोलॉजी। क्या है नाम? ओडोंटोलॉजी। लेकिन दांत का जो प्रशिक्षक यानी कहने का कि विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट ना, तो उसको अगर आपको दांत के डॉक्टर यहां जाना हो तो आप किसी से सलाह लेते तो कहता है कोई अच्छा डेंटिस्ट है वो, यानी दांत रोग विशेषज्ञ, यानी इसके विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? क्या लिख दे? डेंटिस्ट ना, डेन लेकिन आप ही बताइए दांत कितना प्रकार का होता है? 4.5। 4 सही, यानी किसका प्रकार? दांत का प्रकार। तो दांत का जो प्रकार होता है जैसे हाँ सही है, ना कितना? 4। तो देखिएगा हम लोग का एक दांत होता है कृंतक का, नाम सुने होंगे ना, कृंतक आगे वाला। देखिएगा कोई भी मांसाहारी जीव हो ना, ना कोई भी है, आपको मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव में अंतर होता है, उसी से आप पकड़ लीजिएगा। उसमें होता क्या है, एक रोदनक का नाम सुने होंगे, एक कृंतक का नाम सुने। अभी मोलर और प्री मोलर को हम लोग बैक कर देते हैं। तो देखिएगा कृंतक जो होता है वह शाकाहारी में ज्यादा प्रमुख होता है। अब बताएंगे काटने वाला, हाँ ठीक है। ए कृंतक वो आगे वाला हुआ तो ना देखते आगे, ए आ दोनों साइड में नोकीला है ना, तो दोनों में नोकीला हुए ना, रोदनक हो गया, यानी क्या करेगा? चीर फाड़ करता है। आ काटने का काम कौन करेगा? अब बाकी जो दोनों साइड में वो क्या करेगा? पीसेगा ना। तो देखिएगा शाकाहारी में लिखाएंगे, पहले समझाते, शाकाहारी में कृंतक ज्यादा प्रमुख होता है, जबकि मांसाहारी जीव में चारों दांत में कौन? कैनाइन यानी रदनक। अब हम लोग आएंगे
कृंतक लिख दे। कृंतक को हम लोग क्या कहते हैं? इनसीजर्स। हाँ यही हुआ, आते हैं आते हैं। हाँ इंग्लिश नाम है, और पकड़ लिए आप, इसका अंग्रेजी नाम है। क्या होता है कि इसका जो हिंदी है ना कमे देगा, अंग्रेजी नाम ज्यादा दे देता है। हाँ तो इसलिए दे देता है, इसलिए हिंदी में और अंग्रेजी दोनों समझ लीजिए। एगो देखते हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयर मंडल, बहिर्मंडल, इस सबको जितना बार मिलान दिया है अंग्रेजी दे दिया है। अब अंग्रेजी में लड़का ज्यादा उलटता है ना, तो इसलिए कुछ का चीज का अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानिए। ऐसे तो बायोलॉजी जानते हैं, इंग्लिश टर्म में होता है, भले भले कौनो सब्जेक्ट हो उसको हम लोग हिंदी के घोल में बना देते ना, और तब समझदारी बन जाता है। अब यहाँ तक की देखिए, अब हम लोग का जो MBBS वाला है, आप लोग को क्विज में लिखाए होंगे MBBS का, अब अंग्रेजी आपका अंग्रेजी तो होता ही था, अब किस भाषा में? अब हिंदी में भी आपको बच्चा और बच्ची पढ़ेगी, आपका मेडिकल का तैयारी कर सकता है। यानी मेडिकल का तैयारी, यानी कहने का अर्थ कि विधिवत रूप से सारा सब्जेक्ट का बुक अब आ जाएगा किस में? अब आइएगा दूसरा पोजीशन पर, रदनक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। ए इंटेस्टाइन माने आंत होता है तो, हाँ कैनाइन अब सही है, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद तीसरा पोजीशन पर, यानी फर्स्ट, सेकेंड, आए थर्ड, मोलर की प्री मोलर, प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक। बच्चा में ना होता, लड़का में होता है, एक ही बात हुआ तो। हाँ ये नहीं होता है बच्चा में। हाँ आते हैं अग्र चवर्णक, प्योर हिंदी नाम सब है। अग्र चवर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? आपको प्री मोलर। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चौथा नंबर पर, मोलर। चौथा नंबर पर कौन है आपको? मोलर। तो लिख दीजिए मोलर या चवर्णक। मोलर लिख सकते हैं, कौन? दुनिया का कोई भी ऐसा जीव नहीं है, देखिएगा। अरे तबियत तबियत खराब होगा उसे नहीं, सुन ले रहने दीजिए, हो सकता है पढ़ते पढ़ते तबियत खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, लड़का बड़ा कष्ट करके ना लोग जॉब लेता है, लोग तो देख लेता है कि जॉब ले लिया, उसके पीछे का दुख ना। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं कोई देखता है। अगर आप बड़ा पद पर चले गए हैं तो अगर पीछे देखिएगा तो पूरा जो जिंदगी जो रहता है लाइफ स्टाइल, वो सब कष्टमय बीता होता है। आज है विद्यार्थी का सबसे अच्छा भोजन दाल भात चोखा है कि नहीं? खाता है आठ, पढ़ने वाला 10-10, 12-12 घंटा पढ़ता है ना, उसके बाद क्लास करता है, सेट बनाता है, क्विज करता है ना, फाउंडेशन करता है, सारा करता है, बताइए उसमें कितना वक्त बीता होगा ना। तब आप उतना वक्त अगर उसमें बिताए तो आप बताइए भौतिक जो संसाधन होगा या विलासिता जो जीवन है वह आपसे दूर होता है कि नहीं? तो जॉब के बाद लोगों सब फिर उस दुनिया में आता है जो जरूरी होता है, तब उससे पहले तो कष्ट हुआ ही रहता है ना। आइए इधर आइएगा, चवर्णक या मोलर। हाँ अब देखिएगा हम लोग इसका काम सीखेंगे कि सब जो दांत होता है चार प्रकार का, आखिर में इसका काम क्या है कि ऊपर वाला ऐसे ही दे दिए हैं। शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है,
जिसका उपयोग न हो, ध्यान रखिए सबका उपयोग है, लेकिन भले हम आप जाने या न समझे लेकिन सबका कुछ न कुछ, जैसे आपको लगता होगा कि भगवान भाव बेकारे दे दिए ना, आपको लगता है कि भाव क्या इसका कोई काम नहीं, बताइए भाव का क्या काम है, पेंट करने में इसका यही काम है। समझ जाइए कि भाव नहीं होगा तो आपका आंख समय से पहले खत्म होगा, तब बताइए आंख को बचाने वाला या आंख का चकुदार भाव। आप देखते हैं पसीना जब गर्मी के महीना में, भाव जो है आपको इसका काम है कि डायरेक्शन चेंज कर देता है, अगर भाव ना रहता तो एकदम एनएच 104 होते हुए आता ना। तो आप बताइए अगर जितना और जितना पसीना रहता है उसमें अवशिष्ट पदार्थ रहता है ना, गंदगी रहता है, तो गंदगी रहता है तो आंख में जाता, भले आप पोछ पाछ करते लेकिन आंख में वह जाने का प्रक्रिया चालू रहता, तो आप बताइए डैमेज होता कि नहीं होता। हाँ तो उसके लिए भाव का, ये नहीं कि भाव रंगने का चीज है, ठीक है। हाँ अब हम लोग देख लेंगे काम क्या है, अब हम लोग कृंतक कितना क्या काम है, काटना, यानी किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग काटते हैं उसके लिए कौन सा दांत जिम्मेवार है, इनसीजर्स यानी कृंतक। उसके बाद कोई भी पदार्थ को यानी खाद्य पदार्थ को रोधनक का क्या काम होता है, चीरना और फाड़ना। हाथी का दांत देखिएगा मांसाहारी जीव में ज्यादा काम करता है जबकि शाकाहारी में। अब देखिएगा चवर्णक और अग्रचवर्णक इसका क्या काम है, चबाना यानी पीसना ना, चबाना चबाना यानी पीसना, ऐसे भोजन का पचना, ध्यान रखिएगा ऐसे भोजन का पचना कहां से प्रारंभ होता है, मुख से। भोजन का पचना कहां से प्रारंभ होता है, मुख से ना, हाँ मुख से होता है, इसलिए मुख से होता है कि हम लोग कोई भी पदार्थ खाते हैं तो सबसे पहले उसको पीसता है कौन, और साथ में लार भी लगा रहता है ना, तो दोनों जो है अगर अगर शरीर में अगर मुंह में अगर लार नहीं हो तो कोई भी खाद्य पदार्थ अंदर जाएगा नहीं जाएगा, तो आसान बना देता है उसको अंदर जाना भी कौन, तो वो सब कहाँ रहता है, मुंह में। इसीलिए भोजन का पचना अगर कहे का, भले दांत तो पीसता है, भोजन पचाने में दांत का भी काम है, लेकिन पचना कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। लेकिन भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। भोजन का अंतिम रूप से अगर पाचन की बात कहेंगे तो कहाँ, छोटी आंत में। लेकिन भोजन में जो अनपच हो जाता है, भोजन में अनपच जिसको आप कहते हैं भोजन नहीं पचा है ना, ढेवनी ढकार ये सब होने लगता है, मन कैसे तो होने लगता है ना, तो भोजन का जो अनपच होता है या भोजन जो नहीं पच पाता है वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में, यानी छोटी आंत में अंतिम रूप से पच जाता है। और जो अनपच भाग होता है भोजन वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में, यानी बड़ी आंत के माध्यम से ही, मलाशय के माध्यम से वो क्या होता है, बाहर निकाल आता है। लेकिन भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, जहां अंतिम रूप से पाचन होगा वही भोजन का अवशोषण होगा, यानी भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण दोनों कंडीशन किससे, बड़ी आंत की, छोटी आंत, छोटी आंत किससे, भोजन का अवशोषण, तब ना पचेगा तब ना ब्लड बनेगा। इसीलिए हम लोग वैसा ही चीज खाएंगे जो आसानी से शरीर पचा ले और ब्लड बने, तब ना हम लोग का ऊर्जावान दिखता है आदमी ना। अभी
रुकिए, चबाना और पीसना क्लियर है? अब बताइए, मांसाहारी, मांसाहारी जीव में प्रमुख वह नुकीला होता है, क्या लिख दे? रदनक लिख दे कि कैनाइन? दोनों। और शाकाहारी जीव में देखिए है तो सब जरूरी है, लेकिन कुछ प्रमुख बात की कह रहे हैं। शरीर में सबका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन प्रमुख रूप से उसका क्या काम है, किसमें आपका ए बात हुआ? शाका जब हम लोग शाकाहारी थे, 200-300 बरिस आदमी जीता था। आज दुनिया का सब चीज खाने लगे हैं तो 60-70 बरिस में आदमी खत्म हो जाता है। तो इसलिए उस समय हम लोग प्राकृतिक वस्तु से जुड़े हुए थे या सामान से ना, आज हम लोग प्राकृतिक से इतना ज्यादा दूरी बना लिए हैं कि ऊपर वाला भी सोचता है जाओ मरो ना, जब मेरा बात नहीं मानता है तो जाओ मरो। तो आप देख लीजिए, मनुष्य जो है पहले तो 50 बरस में आदमी लगता था 70 बरिस में कि जवाने है, लेकिन आज 40 बरस के बाद उसको देखिएगा, कहिएगा उसको 2-4 बार उठने के लिए तो साफ नकार देगा नहीं उठेंगे। इसका अर्थ है कि क्षमता जो होता है वो क्या हो गया, कमी हो गया। खान पान वैसा नहीं रहा, रहन सहन वैसा नहीं रहा ना, आज जैसा खान पान रहन सहन हो गया हु बहु ऐसा ही सोच होता है, तो सोच भी अब कितना घटिया हो गया ना समाज में। लोग एगो गांव में किसी का दामाद आ जाता था समझता था कि मेरा ही दामाद है, इतना प्रतिष्ठा देता था ना। आज दामाद के उसी परिवार के मेंबर नहीं समझता। हाँ देखिए, दामाद सब ये यो कर रहा है, देखिए भर से मार के बिलगाएगा सब देखिएगा। तो आपको शाकाहारी में, मांसाहारी में ये शाकाहारी में क्या लिख दे? कृंतक यानी मांसाहारी जीव में सबसे प्रमुख दांत, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का डॉक्टर या विशेषज्ञ क्या कहलाता है? दांत कितना प्रकार का होता है? पहला कौन? कृंतक यानी कैनाइन, इसका क्या काम है? दूसरा, इसका क्या काम है? तीसरा पोजीशन पर, चौथा पोजीशन पर, ये दोनों का काम क्या है? मांसाहारी जीव में सबसे प्रमुख, मांसाहारी जीव में सबसे प्रमुख। अपूर्ण विराम।